हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि अगर आपके घर पे कोई भी प्रकार के गुलाब के पौधे हैं तो पौधे जो है वो ठीक से फ्लावरिंग नहीं कर रहे, जितने फूल आने चाहिए उतने फूल इसमें नहीं आ पा रहे हैं। तो आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको इसमें देना है, जिससे आपके पौधे में अगर पत्तियां बिल्कुल स्वस्थ लग भी रही है लेकिन फूल नहीं आ रहे, तो कैसे आपको फूल को लाना है, कैसे आपको पौधे को घना बनाना है। ये जो मेरा गुलाब का पौधा है, इसे मैंने कटिंग से तैयार किया था 2 साल पहले। इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि पौधा जो है वो उसकी पत्तियाँ ग्रीन है लेकिन जितने फूल आने चाहिए उतने नहीं आ पा रहे हैं और कलियाँ भी उतनी नहीं बन रही है। तो मैं आज इसमें फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ। कौन सा फर्टिलाइज़र मैं देने जा रही हूँ, ये बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है। आमतौर पे हम देखते हैं कि कभी भी हम कोई भी गार्डन वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे ढेरों कलियाँ हमें खिली हुई दिखती है, लगी हुई दिखती है, लेकिन हमें पूछने पे वो बताते नहीं हैं। लेकिन वो लोग यही सब फर्टिलाइज़र देते हैं जो आज मैं देने जा रही हूँ। यहाँ से मैंने अभी हाल फिलहाल में कट लगाया तो थोड़ी सी सूख गई थी। अगर आप ऐसा कट लगाते हैं तो मेरी तरह मत छोड़िएगा, थोड़ा सा फंगीसाइड को घोल करके यहाँ पर लगा दीजिएगा तो फंगस नहीं लगेगी। और हल्दी का पेस्ट भी आप लगा सकते हैं, इससे क्या होता है कि फंगस वगैरह नहीं लगती है और पौधा जो है घना होता जाता है। तो ये मेरी गुलाब की पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन है, पौधा जो है बिल्कुल स्वस्थ है। तो बस इसमें अब ज़रूरत है तो इसकी अच्छे से ग्रोथ की ज़रूरत है और इसमें अच्छे से कलियाँ बनने की ज़रूरत है। आम तौर पर हम गुलाब को हरी भरी देखने के लिए हम DAP का इस्तेमाल करते हैं, एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पौधा जो है घना रहता है और लॉन्ग लास्टिंग तक टिकता है। तो यहाँ पे देखिए एक कलियाँ बनी हुई है और नीचे नीचे जो आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, इसे मैंने कटिंग से तैयार किया है। अभी इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो इसमें मैं फर्टिलाइज़र दूंगी तो और भी जल्दी इसमें ग्रोथ होने लगेगी। और जो न्यू लीफ आ रहे हैं वो देख सकते हैं, ये रेड कलर के आते हैं और धीरे धीरे ये हरे रंग के हो जाते हैं। अभी के मौसम में अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो सर्दियों के मौसम आते आते आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, फ्लावर भर भर के देखने को मिलेगी। यहाँ से देखिए मैंने कट लगाया था, पत्तियाँ बिल्कुल ग्लश ग्रीन लग रही है, लेकिन अभी इसमें और भी खाद की ज़रूरत है जिससे पत्तियाँ जो है और भी ज़्यादा अच्छी रहे, चमकदार बने और घनी रहे। तो इसके लिए मैं जो देने जा रही हूँ वो है दोस्तों, यहाँ पर मैं ले ली हूँ थोड़ा सा टी लीफ। ये जो आप देख रहे हैं ये है चाय पत्ती, यूज़ की हुई चाय पत्ती है। और अगर आप समझ रहे नहीं होंगे कि यूज़ की हुई क्या होता है, तो जो चाय बनाते हैं चाय पत्ती बचती है उसे अच्छे से धो करके, ताकि उसमें चीनी वगैरह है तो वो निकल जाए, उसके बाद धूप में सुखा लेने के बाद उसका कलर कुछ इस प्रकार का आता है, ऐसा हल्का ब्राउनिश टाइप का लगता है, तो यही कलर है। और यहाँ पर देखिए जैसे कि 1 गिलास पानी है, तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर चाय पत्ती को डाल करके 2 दिन तक छोड़ दी थी, जिसके कारण जो है पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ये जो है बिल्कुल यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं, बिल्कुल नई चाय पत्ती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप नई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप सूखा फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं चाय पत्ती का तो आप यूज़ की हुई चाय पत्ती दीजिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र में जो है वो पानी में सारे अंश आते हैं तो ख़राबी नहीं करता है प्लांट में। तो यहाँ पे यूज़ की हुई नहीं चाय पत्ती है तो इसमें मैं पानी मिला ली हूँ और देखिए ये पूरा 1 मग हो गया है, तो ये बिल्कुल तैयार है देने के लिए। और अगर आप अभी जैसे कभी लिक्विड वाला नहीं देना चाहते हैं, पानी डाल दिए हैं उसके बाद आप सोच रहे कि सूखा देना है, तो आप चाय पत्ती को यूज़ की हुई चाय पत्ती को धो के सुखा लीजिए, उसके बाद सारे प्लांट में आप 1-1, 2-2 चम्मच करके डाल दीजिए, रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। ये प्रक्रिया आपको हर 15 दिन में 1 बार करना है, जो आज मैं आपको बताई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिक्विड बना के दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पानी ही देना था, तो पानी देने के बजाय मैं इस फर्टिलाइज़र को दे दे रही हूँ चाय पत्ती वाले पानी को। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 मग घुला लिया है और यहाँ पे दे रही हूँ 1 चुटकी हल्दी। 1 चुटकी हल्दी जो है इस तरीके से अच्छे से घुला लेना है, ताकि इसमें कीड़े मकोड़े फंगीसाइड वगैरह ना लगे। इसके बाद इस तरीके से पूरे गमले में दे देना है। मैं देखिए इस तरीके से दे दे रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको देना है। तो फर्टिलाइज़र देने के लिए आगे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इसमें मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया है,
तो जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो अगर पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी निकल रही है, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है पौधे से ये फर्टिलाइज़र को देने से। देखिए, इसे मरोड़िया रोग बोलते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कोई नई पत्तियाँ आती है तो उस घुमा घुमा होता है उसका मुंह, और वो ठीक से खिली हुई नहीं रहती, तो वो एक बीमारी है, उसे हमें ठीक करना पड़ता है फर्टिलाइज़र दे करके। तो यहाँ पे ये जो प्लांट है इसमें भी मैं अच्छे से गोड़ी दिला दे रही हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे गोड़ी दिलाई हूँ तो अब मैं आपको फर्टिलाइज़र दे के दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 चम्मच हल्दी ली हूँ और यहाँ पे चायपत्ती ली हूँ। चायपत्ती मैं 1 से 1.5 चम्मच ली हूँ। ये मैं आपको सूखा देने का तरीका बता रही। और 5 से 6 दाना DAP का ली हूँ। DAP को हाथों से अच्छे से मैश करके, और यहाँ पे एक पौधे के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हो गया सूखा देने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ये अच्छे से बन के तैयार है। अब मैं आपको दे के दिखाती हूँ। जैसे कि ये है मेरा गुलाब का पौधा, तो यहाँ पे मैं आपको दे के दिखा रही हूँ। एक एक चुटकी इस तरीके से जड़ के चारों ओर दे देना है, यहाँ पे किनारे किनारे दे दे रही हूँ इस तरीके से। मैं हर एक गुलाब में कभी सूखा डाल देती हूँ। बरसात अभी था तो बहुत पानी हो रही थी, तो इसलिए मैं सूखा वाला दे रही थी। अब जैसे बारिश नहीं होती है तो लिक्विड बना के देती हूँ। अगर आप गलती से डेली डेली पानी डाल दे रहे, याद नहीं रहा कि फर्टिलाइज़र देना है, तो आप सूखा हुआ भी दे सकते हैं। और अगर याद रहता है तो आप लिक्विड बना के दीजिए। बस आपको इसी तरीके से देना है हर 15 दिन में एक बार, शाम के टाइम या सुबह के टाइम। रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। गुड़ाई हमेशा पौधे में चाहिए, प्रूनिंग भी चाहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, जैसे कि फूल आते हैं उसके 1 इंच नीचे से आप कट दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि पौधा खुद घना हो जाएगा और कलियां ढेरों मात्रा में बनेगी। किसी भी प्रकार का गुलाब है आपके घर में, चाहे वो देसी है या फिर हाइब्रिड वाला या फिर बटन रोज है, आप किसी भी गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। माली भी यही सब छुपा छुपा के देते हैं, जिससे उनके पौधे में ढेरों कलियां और ढेरों फूल खिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी, महत्वपूर्ण लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।